हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज बेसिकली हम आपको बताने वाले हैं कि जो चिप्सा मशीन है ये वाला, इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, मतलब कैसे चलाया जाता है, ये पहले आपको बता देते हैं कि जो ये कौन सा कंपनी का, देखिए BOSS यानी कि बूस कंपनी का ये जो है, ठीक है। और यहाँ पे समझ लिया आपको प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, इस पर हैंड रख के नहीं चलाना है, इधर ना इधर, ठीक। फिर ना तो एयरफोन लगा के चलाना है, प्लस में यहाँ पे आपको आई प्रोटेक्शन के लिए चश्मा लगाना है, यहाँ पे पूरा फेस के लिए सेफ्टी दिया है, मतलब हेलमेट लगा के, और यहाँ पे जो है आपको हाथ में ग्लव्स वगैरह लगा के इसको ऑपरेट करना है, ठीक। ये रहा आपको ऑपरेट करने वाला, देखिए यहाँ पे स्विच दिया है, इसको दबाइएगा और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता दें, यहाँ पे दिया है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, यहाँ पे इसको दबा के और इसको दबाइएगा ना, इसको दबा के इसको और ये वाला दबा दीजिएगा अंदर की तरफ, तो ये ऑटोमेटिक चलता रहेगा, यानी कि बटन उठ जाएगा। यहाँ पे ये आपको बताते हैं, यहाँ पे अगर ब्लेड व्लेड इसका ये वाला चेंज करना होगा तो यहाँ पे लॉक वाला दिया रहता है, देखिए ये वाला जो लॉक दिया रहता है, यहाँ पे इसमें गैप में इसको लगा के, ठीक, लॉक करके, और इधर से देखिए यहाँ पे पहले इसको लॉक करिएगा, इसमें लगा के, ठीक, दावे रहिएगा ऐसे, फिर इसमें एलन की दिए रहता है, इसका एलन की साइड में रखा हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया है इसका एलन की, ठीक, यहाँ पे इसमें फिट हो जाएगा, ठीक, और यहाँ से लॉक करके तब इसको इसका ब्लेड चेंज कर सकते हैं। आइए फिर आपको हम ऑपरेट करके दिखाते हैं, ठीक है। एक सरिया है यहाँ पे, आठ वाला, दस वाला आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ सपोर्ट के लिए लगा लीजिए, ठीक, यहाँ पे देखिए कसने के लिए इसको उठाइएगा तो यहाँ से डायरेक्ट ये जाएगा, देखिए, ठीक, और इसको यहाँ से लॉक करके इसको हल्का सा घुमाइए, कसा जाएगा, यहाँ पे देखिए आपको बता रहे हैं ऑपरेट करके, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ से दबाइएगा हल्का, बस इतना ही, जिसको भी चलाना होगा बाइक को थोड़ा संभाल के बच के चलाना, नहीं तो खतरा भी कर सकता है, अगर ब्लेड पे ज्यादा लोड पड़ेगा तो टूट भी सकता है, आंख में भी इसका जो ये पड़ता है बुरादा रहता है आंख में भी, देखिए यहाँ पे टूट फूट के पड़ा हुआ है, जिसको भी ऑपरेट करना होगा ऑपरेट थोड़ा सेफ्टी से।